जिला बिलासपुर के तलवाड़ा में उद्यान विभाग द्वारा आयोजित प्रथम शिवा दिवस की अध्यक्षता करते हुए खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले में मंत्री राजेंद्र गर्ग ने कहा कि प्रदेश की दशा और दिशा बदलने के लिए तथा हिमाचल की फल राज्य की पहचान कायम रखने के लिए प्रदेश के निचले 7 जिलों के लिए एशियन विकास बैंक द्वारा स्वीकृत 1,688 करोड़ रुपए की हिमाचल प्रदेश उपोषण कटिबंधीय बागवानी सिंचाई एवं मूल्यवर्धन परियोजना चलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत किसानों और बागवानों को दोबारा से खेती के साथ जोड़ना और शिक्षित युवाओं को घर द्वार पर ही रोजगार के अवसर मुहैया करवाकर उनकी आर्थिकी सुदृढ़ करना है। इस परियोजना का महत्व यह भी है कि किसानों और बागवानों को 3 वर्ष के अंदर ही नगदी मिलना शुरू हो जाती है। जहां इस योजना ने किसानों के आर्थिक स्तर पर बढ़ाने का काम किया है, वहीं शिक्षित युवाओं को रोजगार के अवसर भी प्रदान किए हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी यही लक्ष्य है कि किसानों की आय दोगुनी हो। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इस योजना के तहत 10,000 हेक्टेयर भूमि का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके लिए प्रथम चरण में 75 करोड़ रुपए की राशि व्यय की जा रही है। इसके अंतर्गत 2 वर्ष में 45,000 हेक्टेयर भूमि क्षेत्र को कवर कर लिया गया है, जिसके तहत प्रदेश में 25,000 किसानों व बागवानों के परिवार लाभान्वित हो रहे हैं। जिला बिलासपुर में 4 क्लस्टर जिसमें तलवाड़ा, लंजटा, मंझेड़ और दलहेत के 178 किसानों के परिवार इस योजना का लाभ ले रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने शिवा परियोजना में प्रगतिशील किसानों की अहम भूमिका निभाने के लिए स्मृति चिन्ह देकर प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम में सदर मंडल के अध्यक्ष एवं एपीएमसी के चेयरमैन हंसराज ठाकुर, जिला परिषद सदस्य बिमला देवी, बीडीसी सदस्य सत्या देवी, प्रधान ग्राम पंचायत धनीराम, उप प्रधान जितेंद्र ठाकुर, उप निदेशक बागवानी डॉक्टर माला शर्मा, सूचना एवं प्रसार अधिकारी उद्यान डॉक्टर दीपक गुप्ता, क्लस्टर के विभिन्न पदों पर कार्यरत किसान वंशी राम शर्मा, धनीराम रंजीत, जिला समन्वय अधिकारी शिवा परियोजना डॉक्टर रमल अंगारिया सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। महाशिवरात्रि के इस पर्व की हमारे लिए एक आध्यात्मिक शक्ति का संचार होता है और हमारे जीवन के फलने फूलने का एक हमको प्रेरणा मिलती है। तो प्रदेश सरकार के द्वारा जो यह प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया है, इस एचपी शिवा प्रोजेक्ट का आज के दिवस में एक विशेष रेलेवेंसी, जिसको हम कहते हैं कि एक सामयिक दृष्टि से उसी प्रकार हमारे जीवन के लिए, हम किसानों के लिए, बागवानों के लिए एक आगे बढ़ने का एक प्रेरणादायी दिवस है और जिससे हम ये देखते हैं कि जब से हमारा शिवा प्रोजेक्ट की कल्पना शुरू हुई और इसकी शुरुआत करने के जो प्रयास प्रारंभ हुए, तो उस समय हमारे किसानों की जो आज बागवान की ओर कदम बढ़ा चुके हैं, उस समय उनकी सोच क्या थी और आज क्या सोच है। तो इस प्रकार की सोच जो है, कल्पना जो है हमारी सरकार ने की, माननीय मुख्यमंत्री जी ने की और इस क्षेत्र में हमारे युवाओं को हम किस प्रकार आकर्षित कर सके और किस प्रकार वो एक लेवल का काम कर सके, क्योंकि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति एक बढ़िया ड्रेस डालने वाला व्यक्ति जो है
वो कोई छोटा मोटा काम तो वैसे करेगा नहीं, वो भूखा रह लेगा, वो इधर उधर भाग जाएगा, परेशानियों में जाएगा। लेकिन जब उसके सामने एक स्पष्ट दिशा नहीं होगी कि हाँ इस काम को करने से मेरा जीवन ठीक चलेगा, तब तक वो विचलित रहेगा। इसलिए हमारी सरकार ने प्रयास किया कि हमारा जो यूथ है वो उसको हम कैसे खेती की ओर आकर्षित कर सके, और उसमें एचपी शिवा प्रोजेक्ट की कल्पना जो है सरकार और विभाग ने मिलकर की, और जिसके माध्यम से आज ये हमको देखने को मिल रहा है कि निश्चित रूप से जो कल्पना की गई है और जिसका एक एक लाइन एक रोड मैप बना हुआ है, आज उस प्रोजेक्ट के माध्यम से हमारे किसान बागवानी की ओर बढ़ रहे हैं। और बागवानी की ओर इसलिए बढ़ रहे हैं कि उससे हमको कैश मिलता है, जिसको हम कैश क्रॉप बोलते हैं, उस कैश क्रॉप की ओर हम बढ़ रहे हैं। सेब के बगीचे वाले हैं, सब जानते हैं कि जिसका सेब का बगीचा है वो माला माल होता है। उस सोच को भी समझने की आवश्यकता है। ये कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं है जो एक सरकारों के द्वारा तरह तरह के कार्यक्रम चलाए जाते हैं, कुछ पब्लिसिटी होगी, कुछ फाइलों में चलता रहा, कुछ लोग उसका अपने हिसाब से लाभ लेते रहे। जैसे हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट चलते हैं, योजना चलती हैं ब्लॉक के माध्यम से, उसमें एग्रीकल्चर भी है, हॉर्टिकल्चर भी है, अन्य विभाग भी हैं, उन सारी योजनाओं का लाभ कुछ सीमित लोग लेते रहते हैं, और जिनको उनका अभ्यास हो गया है, जानकारी हो गई है, और वो कार्यक्रम सरकार की तरफ से चले रहते हैं, इतने लोगों को सब्सिडी चली गई, इतना बीज चला गया, लेकिन वो बीज किसको जाता है, कौन लेते हैं, ये भी आप सब समझते हैं। लेकिन ये जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम इन सारी बातों से हटकर है, इसकी जो कल्पना है, आज हम देखते हैं कि कोई भी बात होती है प्रदेश की और देश के विकास की, तो उसमें आज बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा बनकर आता है, बड़ी चर्चा होती है बेरोजगारी। और हमारा ग्रामीण व्यक्ति जो है, किसान है, उसका आर्थिक जीवन जो है वो ऊपर नहीं उठता है, और हम इतने वर्षों से लगातार गरीबों के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए बिलासपुर से अश्विनी कुमार की रिपोर्ट।